उत्तराखंड में हिंदू बहन बेटियों से हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा है। श्रीनगर शहर में हिंदू संगठनों ने हिंदुओं को जागरूक करने और विशेष समुदाय के लोगों को सख्त चेतावनी देने के लिए विशाल चेतना चेतावनी रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए नारे लगाए। बीजेपी नेता लखपत भंडारी के नेतृत्व में निकाली गई चेतना चेतावनी रैली सर्राफा धर्मशाला से वीर चंद्र सिंह गढ़वाल मार्ग होते हुए स्थानीय गोला पार्क में संपन्न हुई। रैली के दौरान बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने चेतना और चेतावनी के पीछे का लक्ष्य बताया। बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने बताया कि बीते कुछ समय से हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। विशेष समुदाय के लोगों ने अगर हिंदू बेटियों को टारगेट करना बंद नहीं किया तो हम सनातनी लोग बड़ा विस्फोट करेंगे। देखिए, इस बीच जो है लगातार ऐसा हुआ, जिहादियों के द्वारा हमारी बेटियों को छेड़ना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, और ये हम लोग इस चीज से तंग आ चुके थे, तो इसलिए आज हमने तमाम सनातनियों ने, हिंदुओं ने श्रीनगर की सड़कों पे एक रैली निकाली कि ये कार्य करना छोड़िए, हम सनातनियों को छेड़ना छोड़िए, वरना हम जो है बहुत बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। लखपत भंडारी ने चेतना चेतावनी रैली के बारे में बताया कि चेतना शब्द इसलिए रखा गया है ताकि हिंदुओं को जागरूक किया जा सके। वहीं चेतावनी शब्द उन जिहादी और रोहिंग्याओं के लिए है जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रैली थी चेतना एवं चेतावनी, चेतना हिंदुओं के लिए और चेतावनी उन रोहिंग्याओं के लिए, उन जेहादियों के लिए जो इस प्रकार का काम कर रहे थे, और चेतना हमने कहा हिंदुओं में चेतना जागे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, इसमें तीर्थ स्थल केदार घाटी भी शामिल है। कुछ समय पहले देहरादून में हिंदू बेटियों के साथ इसी तरह की घटना सामने आई थी, वहां भी हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन गढ़वाल और कुमाऊं के कई शहरों में देखे जा रहे हैं, जिसमें तमाम हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर आकर इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब तक गढ़वाल के चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून में बड़े प्रदर्शन हो रहे थे और अब श्रीनगर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन बताता है कि पहाड़ में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिसमें कुछ लोग नाम बदल कर रह रहे हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भी बाहरी लोगों का सत्यापन करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि हिंदू संगठनों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन किस तरह के कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।